चलिए दोस्तों, अगर आप ललित नारायण मिथिला यूनिवर्सिटी के छात्र हैं और बीए बीएससी कर रहे हैं, तो दोस्तों आपके लिए आज का गुड न्यूज़ है। दोस्तों पार्ट वन वाले स्टूडेंट का रिजल्ट जारी हो चुका है, वही बात करें पार्ट टू वाले स्टूडेंट स्क्रूटनी कर रहे हैं और पार्ट थर्ड में एडमिशन और साथ ही एग्जामिनेशन फॉर्म भरा रहा है। तो दोस्तों पार्ट वन वाले स्टूडेंट के बारे में बात करूँगा कि उनका रिजल्ट तो जारी हो गया है, लेकिन बहुत सारे स्टूडेंट प्रमोटेड हो गए हैं, तो वो क्या करेंगे इस वीडियो में बताएंगे। साथ ही दोस्तों अब 17 दिनों में ले ली जाएगी स्नातक और स्नातोत्तर की परीक्षा, जिसमें पार्ट वन और पार्ट थर्ड के स्टूडेंट का जो यहाँ पे एग्ज़ाम होने वाला है उससे रिलेटेड जो अपडेट आई है उसको आपको इस वीडियो में बताने वाले हैं। साथ ही दोस्तों प्रथम खंड का परीक्षा फल प्रकाशित कर दिया गया है, इसको लेकर बहुत सारा न्यूज़ है। चलिए आप सभी लोग को स्टेप बाय स्टेप सारी जानकारियाँ देता हूँ, और चैनल पर पहली बार आए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करके और वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों प्रथम खंड का परीक्षा फल प्रकाशित कर दिया गया है। तो दोस्तों कल गुरुवार को शाम 8 बजे तक आप लोग का रिजल्ट जारी हो गया था। बहुत सारे लोगों ने अपना रिजल्ट चेक किया और यहाँ पे बताया जा रहा है कि जिस प्रकार से पार्ट टू वाले स्टूडेंट को 7 अंक देके बहुत सारे स्टूडेंट को पास किया गया था मॉडरेटन करके, पार्ट वन वाले भी स्टूडेंट को मॉडरेशन करके और उनको भी बहुत सारे स्टूडेंट को पास किया गया है। तो दोस्तों हालांकि बहुत सारे स्टूडेंट पार्ट वन में प्रमोटेड हो गए हैं, और जो स्टूडेंट पार्ट थर्ड का जो एग्जामिनेशन फॉर्म भरने वाले थे कुछ स्टूडेंट वो भी प्रमोटेड हो चुके हैं पार्ट वन में फिर से, तो उनको क्या करना होगा चलिए इस वीडियो में आपको सारी जानकारियाँ देने वाला हूँ। तो दोस्तों पार्ट वन वाले स्टूडेंट का रिजल्ट जारी हो चुका है, आप लोग जाइए रिजल्ट चेक कीजिए, और चैनल पर वीडियो अपलोड है, आप लोग जाकर देख सकते हैं जो भी समस्या है। तो आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं अब 17 दिनों में ले ली जाएगी स्नातक व स्नातोत्तर की परीक्षा। तो दोस्तों आप लोग देख सकते हैं ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय की ओर से निर्देश जारी किया गया है और शेड्यूल भी तैयार कर लिया गया है। तो पार्ट वन और पार्ट थर्ड वाले स्टूडेंट का जो एग्जाम डेट जो संभावित तिथि बताई जा रही थी 26 अप्रैल से उनका एग्जाम हो सकता है, तो जल्द ही दोस्तों आप लोग का शेड्यूल भी जारी किया जाएगा। तो ये दोनों स्क्रीनशॉट को मैं अपने टेलीग्राम चैनल में अपलोड कर दूंगा और आप लोग जाकर देख लीजिएगा। चलिए दोस्तों मैं पार्ट वन वाले स्टूडेंट के बारे में बात करूंगा जिनका सेशन 2020 से 2023 है उन स्टूडेंट के बारे में। तो सबसे पहले तो पार्ट वन वाले स्टूडेंट का एग्जाम जो है वो 26 अप्रैल से संभावित है कि हो जाएगा। और दोस्तों पार्ट वन और पार्ट थर्ड वाले स्टूडेंट के लिए हमारे चैनल पर गिव अवे आ चुका है, 25 लोगों को फ्री में गैस पेपर उनके घर तक पहुँचाया जाएगा। अगर आप लोगों ने वो वीडियो नहीं देखे हैं तो चैनल पे अपलोड है, जल्द जाइए और वीडियो देखिए। दोस्तों आप पार्ट वन के स्टूडेंट हैं और पार्ट थर्ड का, तो आप लोग का एग्जाम होने वाला है, और साथ ही दोस्तों पार्ट वन वाले स्टूडेंट का रजिस्ट्रेशन और एग्जामिनेशन फॉर्म भरा रहा है। साथ ही दोस्तों पार्ट थर्ड वाले स्टूडेंट का एग्जामिनेशन फॉर्म भरा रहा है, और आपका कॉलेज ओपन है और सभी कार्य किए जाते हैं, ओनली आप लोग को क्लास नहीं चलता है। तो आप लोग जाए रजिस्ट्रेशन और एग्जामिनेशन स्लिप जो डाउनलोड किए होंगे, प्रिंट आउट मिला होगा, उसे लेके और आप लोग जाके जमा कर सकते हैं आप अपने कॉलेज में। सभी लोग का कॉलेज ओपन है, सिर्फ आप लोग को वहाँ पे पढ़ाई नहीं चल रही है, अन्यथा जितने भी कार्य हैं वो सभी चालू हैं, तो आप लोग जाए अपने कॉलेज पे। तो चल बात करते हैं 2019 से 22 वाले सेशन के स्टूडेंट का जो रिजल्ट जारी किया गया है उसमें बहुत सारे स्टूडेंट प्रमोट हो चुके हैं। तो क्या उन स्टूडेंट अगर एग्जामिनेशन फॉर्म भरना चाहते हैं तो पार्ट वन का एग्जामिनेशन फॉर्म 15 तक भराया जाएगा, तो आप लोग हो सके तो आप लोग भर लीजिएगा। जो स्टूडेंट अगर स्क्रूटनी करना चाहते हैं और स्क्रूटनी का डेट जारी होते ही आप लोग को इस चैनल के माध्यम से अपडेट मिल जाएगा। तो दोस्तों इस वीडियो के माध्यम से आपको जो भी जानकारियाँ हैं वो मिल गई होगी, और अभी भी आप लोग को किसी प्रकार की समस्या है तो आप लोग नीचे कमेंट कर सकते हैं। दोस्तों इस चैनल के माध्यम से जो भी अपडेट आएगा मैं आप सभी लोग को अपडेट दे दूँगा।